ओरिजिनल शाहरुख भाई। मैं सेकंड हार्ड कॉपी में आ जाता हूँ। पर फिर भी मम्मी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर। गाइस अभी वैसे नहीं पूछा साहब, बच रहे भाई दिन के 12:30। और कल का लोग जिन्होंने देखा उनको पता होगा भाई मेरे को हो चुका है भाई जुकाम। मेरे को जुकाम काफ़ी खतरनाक कोल्ड हो चुका है भाई मेरे को। जो होगी गाइस मेडिसिन मेरी आ चुकी है, अब मेडिसिन को खाना है बस और कुछ नहीं करना। क्या है एक बार कलर बड़ी गोलियाँ की है भाई, ये दो गोलियाँ मिली हैं। अंकल ने बोला है, मतलब जो केमिस्ट वाले अंकल उन्होंने बोला है ये खानी है सुबह शाम, मतलब एक दिन में दो गोली, टोटल चार गोलियाँ खानी है, ठीक है। अगर रात तक फ़र्क नहीं पड़ता, बोल रहे हैं कि कल आया ना फिर से, मैं अपनी तरफ से जो केमिस्ट वाले अंकल डोज बना देते हैं वो डोज बना दूंगा, वो खा लेना आप। मैं कहा चलो बढ़िया बात है, तो बस अभी मैं खा रहा हूँ इस मेडिसिन। मैं कहा चलो भाई ब्लॉग तो स्टार्ट कर दूँ भाई, क्या करेंगे, देखो मेडिसिन खाऊंगा अभी मैं लगाऊँ फिर सोने। क्या बात है, सिर में पेन हो रही है, आंखों से इतना पानी निकल रहा है भाई, और भाई जुकाम तो भाई अलग ही लेवल पे है भाई, अलग ही लेवल पे है। तो मैं भी खाऊंगा इस मेडिसिन, फिर मैं जाऊँगा सो। मैं सोचा भाई मैं थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ और बता दें कि हालात कैसे हैं अभी फ़िलहाल। हालात के हिसाब से समझ लो 30% ठीक हूँ और 70% है बस कोल्ड, बट 70% भी नहीं होना चाहिए ना भाई। ठीक है, ऐसे मेरे को स्कूल में दिक्कत होगी, स्कूल जाऊँगा स्कूल में दिक्कत होगी भाई, पूरे दिन स्कूल में क्लास में बैठ के मैं ऐसे करता रहूँगा भाई, बताओ ये कोई बात ही नहीं, कोई बात ही। तो बस अभी मेडिसिन खाता हूँ, फिर वैसे मैं 1-2 घंटे के लिए खुद सोने, फिर मिलूँगा आपको सीधा शाम को सबके के लिए। भाई क्या करूँगा, इसमें मजबूरी है, मेडिसिन खा के सोना पड़ना नहीं, ऑटोमेटिकली अगर मेडिसिन खा के अगर मान लो मैं आगे ब्लॉक कर भी लेता हूँ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बस मेडिसिन खा के नींद आ जाती है, कोल्ड की हो खांसी की हो बुखार की नींद आती रहती है। तो फिलहाल खा लूँगा मेडिसिन फिर मिलता हूँ मैं। चलो भाई दोनों गोली एक एक खा ली, वाइट वाली भी खा ली एक और एक येलो वाली भी खा ली भाई। बोलो देख लो, एक येलो और एक वाइट वाली खा ली, दोनों गोली तीन बज गई बस। अभी खाऊंगा मैं रात को खाने के बाद फिर कल सुबह तक देखते हैं क्या हालात बनते हैं क्या नहीं। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, उठना है, उठ के काफ़ी काम है, थोड़े बहुत हैं काम जो कि करने पापा ने होते हैं, बट क्या सीन होता है ना, पापा को ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं होती, पापा को ऑफिस से मतलब टाइम ही नहीं मिलता भाई कि घर आकर वो बोले काम कर पाए, तो इसलिए वो बोले सारे काम की जिम्मेवारी मेरी है। तो बस उठ के मिलता हूँ। वैसे भी सोकर उठ चुका हूँ और शाम के बज रहे हैं गैस 6:30 से 7 बज रहे होंगे, ठीक है। और अभी फ़िलहाल गाइस मैंने बोला था कि काम कुछ ही है गाइस, ये जो फूल की मालाएं हैं और ये जो मतलब लाइट है ये सारी उतारनी है भाई, और ये जो लगा हुआ है शुभ लाभ शुभ दीपावली ये भी उतारना है, और ये बंधन द्वार भी उतारना है, बस लगाना है। पता क्या लगा रहने देना, एक ये लगा रहने देना और ये लगा रहने देना। बाकी फ़िलहाल मैंने अपना बताया नहीं भाई हालात कैसे हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए गाइस अपना जो हाल है वो इस प्रकार का है कि देखो, पहले तो गाइस नाक मेडिटेशन हो रही थी, नाक मेडिटेशन होती है जब फिर आँख में से पानी निकलना शुरू होता है, आँख में से पानी निकलता है फिर नाक में से पानी निकलता है। फ़िलहाल अब कुछ इस प्रकार का हो रहा है कि सिर्फ हल्का हल्का नाक में से पानी निकल रहा है, इरिटेशन तो फिलहाल के लिए बंद है। क्या सीन है, जब मैं सो उठता हूँ ना तो 1-2 घंटा तो भाई इरिटेशन बंद होती है, उसके बाद इरिटेशन शुरू होती है नाक में। अगर
रात को इरिटेशन होती है, मेडिसिन खा के सुबह पता लगेगा। अगर सुबह भी इरिटेशन रही मेरे को अपनी मेडिसिन चेंज करवानी पड़ेगी और नई मेडिसिन ले करनी पड़ेगी। जो खा रहा हूँ अगर मेरे को उससे बेटर फील नहीं हुआ तो फिलहाल मेरे तो कैसे बेटर फील है, बट क्या ना मेडिसिन खाने के बाद जब मैं सोता हूँ सो के उठता हूँ उसके बाद कैसे नांग में इरिटेशन होती है भाई, मुझे पता भाई। चलो अच्छा जो काम मैं पहले वो करता हूँ, सबसे पहले गाइस मैं सोच रहा हूँ फूल की माला उतार लूँ, क्योंकि गाइस क्या ना लाइट का काम थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऊपर चढ़ना टेप लगे टेप से उतारना वगैरह वगैरह। ठीक है चलो लगते हैं काम पे। Ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. तो गाइस अभी फिलहाल के लिए कुछ इतनी लाइट उतर चुकी है, मतलब इधर का सारा पोर्शन कम्प्लीट हो चुका है, बस बचा तो बचा सिर्फ ये सारा पोर्शन बचा है बस। और भी आपने देखा होगा गाइस मैं बीच में वो क्या बोलते हैं, एक तो है भाई हमारे ओरिजिनल शाहरुख भाई, मैं गाइस फर्स्ट कॉपी भी नहीं कह सकते भाई, सेकेंड या थर्ड कॉपी बन गई बन नहीं गया था, सेकेंड थर्ड कॉपी में आ जाता हूँ भाई, तो सेकेंड थर्ड कॉपी शाहरुख खान बन गया था मैं भाई। जुकाम ने बुरा लगे ना तो गाइस क्या बताऊँ, इतने मजे करने थे ना लाइट उतारते हुए, हमने पूरा हाल किया हुआ है। चलो बाय, सारी लाइट और सारी फूल के वाला उतार के मिलता हूँ बाय। चलो भाई सर लाइट वगैरह उतर गई है भाई, फूलों की मालाएँ उतर गई हैं, लाइटें सिर्फ ये तो लगी हैं, ये तो भाई जब से घर में आया तब से लगी हुई है, सिर्फ सजा तो सजा सिर्फ घर का मेन है मेन गेट सजा भाई, घर की मेन एंट्रेंस सजी हुई है बस, बाकी सारा कुछ उतार दिया। अगले साल दिवाली पर कहेंगे भाई अगले साल, ठीक है चलो चले अंदर पूछते हैं भाई मम्मी के पास खाने का क्या, भूख लग रही है बहुत भूख लग रही है। हेलो हेलो मम्मी जी, हेलो के हाल चाल है आपका, फेसबुक में क्या देख रहे हो? हमारी आंटी जीरकपुर वाले गाइस, एक मिनट मेरे जो बोले लाइट अच्छी नहीं पड़ती, जब मैं ब्लॉग देखता हूँ अपना कि कैसा बना कैसा नहीं, तो मेरे को अच्छा लगता भाई। अब ठीक है लगा, अच्छा मम्मी सब छोड़ो फ़ोन देखना छोड़ दो, चाहे दो मिनट के लिए, दो मिनट के लिए बस, दो मिनट के लिए। खाने में क्या है? खाने में है दाल चावल, सुबह वाला पोहा नहीं बचा थोड़ा सा बड़ा होगा फिलहाल, तो बड़ी भूख लगी है देख लो, आपके लड़के को इतना जुकाम है, इतना जुकाम है कि मतलब कंबल से निकलने का मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी सारा काम किया घर के बाहर वाला, लाइटें उतार दी, फूल की मालाएँ उतार दी, ऐसा बेटा मिलना बताओ गाइस, कमेंट करो कमेंट करो, हैशटैग ऐसा बेटा नहीं मिलेगा, हैशटैग ऐसा बेटा कभी नहीं मिलेगा, हैशटैग ये बेटा बहुत अच्छा है, हैशटैग आशुतोष ब्लॉगर्स वेरी बेस्ट बच्चा भाई, वायरल कर दो हैशटैग ये वाले। नहीं सच्ची में आप काम सिर्फ तू कर सकते हैं या पापा कर सकते हैं? पापा के पास टाइम नहीं था, मैंने बता दिया ऑलरेडी कि गाइस पापा के पास टाइम नहीं था। आशुतोष खन्ना प्लस आशुतोष ब्लॉग्स, आशुतोष खन्ना तो भाई नाम में पावर है ही है, और आशुतोष व्लॉग्स दो पावर इकट्ठे मिलके काम तो कर देंगी, चाहे कुछ भी हुआ हो कोल्ड तो ऐसी की तैसी कोल्ड की। पर फिर भी मम्मी इरिटेशन होना शुरू की बल्कि की पहले इरिटेशन बंद हो गया, बल्कि इरिटेशन शुरू हो गई, डस्ट है ना उसके ऊपर, अभी फिर से इरिटेशन हो रही है की नाक में, मेडिसिन खाई ठीक हो जाएगा। चलो
पोहा खिला रहे हो फिर? चलो गाइस अपना पोहा आ गया भाई। क्या मतलब अलग ही है भाई, बीच में शिमला मिर्च, यहाँ पे आलू, गाजर वगैरह, बस भाई बस सब कंट्रोल नहीं हो रहा। इसको निपटा के मिलता हूँ, बाय। सो गाइस अभी आपने जो बेसन का लड्डू देखा और जब देखने लगे हो भाई इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मम्मी जब गर्म किया था तब क्या था? जब गर्म किया तब क्या था? तब ये लड्डू था, बन गई लड्डू की पंजीरी। अब गाइस लड्डू की पंजीरी बना के खा ली। वैसे तो बेसन का लड्डू ऐसे खाता हूँ भाई, मैं ऐसे खाता हूँ, पापा से खाता हूँ, मम्मी तो भाई जैसे खिलाओ तो वैसे खा लेंगे, मैं तो भाई गर्म करके खाता हूँ, बड़ा टेस्टी लगता है गाइस। अभी मैं आकर में गर्म कर रहा था, मैं कहा चलो भाई बढ़िया बढ़िया गर्म करके खाते हैं। और यहाँ पे अपना दूध लग गया है। और गाइस एक बैड न्यूज़, बैड न्यूज़, बैड न्यूज़ इस प्रकार की है, जुकाम के साथ साथ खांसी लग गई भाई। जैसे जो खाम का प्रसाद पापा से मिला था ना, खांसी का प्रसाद मम्मी से मिल रहा भाई। सर्दियों में ऐसे चलता है प्रसाद दे रहे हो दोनों जने मिलके, कभी पापा पापा जुकाम का प्रसाद दे रहे हैं, मम्मी खांसी का प्रसाद दे रही है भाई। हमारे घर में चल क्या रहा है, ये भी क्या चल रहा है, जुकाम चल रहा है। चलो ठीक है, जैसे सर्दियों में गर्मियों में फॉग चलता है, सर्दियों में खांसी जुकाम चलता है। फॉग तो सर्दियों में नहीं आती, कुछ भी मम्मी यार अभी कुछ बोल देते। अच्छा तो भाई फिलहाल अपना डिनर क्या था भाई? डिनर अपना यही है, रात को सोने के टाइम डिनर हल्का फुल्का। अपना डिनर लग चुका है, यहाँ पे बेसन की लड्डू की पिंडी बना के खा रहा हूँ, वहाँ पे अपना दूध लग चुका है। तो आई थिंक सबको मेरा रेस्टोरेंट पसंद आया, पसंद तो क्या ही होगा यार, मतलब बीमार बीमार सा था पूरा दिन, बीमारी 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 वाला ब्लॉग है। और गाइस मेरे को पता है आप देखोगे और प्यार दोगे, और एक घंटे में 100 व्यूज़, 12 घंटे में 1200 व्यूज़, मतलब 1000 से 1000 व्यूज़ आप कर दोगे, मेरा दिल कह रहा। तो कर दोगे, कर देंगे मम्मी लगता है, चलो कर देंगे। चलो फिलहाल आई थिंक ऐसा कुमरा शो पसंद है, पसंद तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब करो, मिलता कल सुबह नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। और हाँ दुआ करना ठीक ही रहूँ, अगर भाई हालत बिगड़ गई और तो क्या पता मैं कल का ब्लॉग ना बना पाऊँ, अगर मम्मी ज़्यादा मेरे से वो सिर में दर्द अभी भी है। बट मैं कहा नहीं भाई जो ब्लॉग बना उसको एंड तो करूँ, मम्मी ने वो बोला वो भी, मैं कह रहा था मम्मी मैं ऐसे एंड कर देता हूँ, लिख दूंगा एंड पे, और फिर मैं सो गया जैसे मैं लिखता हूँ कई बार की, और मैं पोहा खा के सो गया। बट नहीं कैसे नहीं, मम्मी ने बोला नहीं तो एंड कर ब्लॉग का, उठ बाहर आ ये वो। तो मेरी ब्लॉगिंग का 50% से नहीं 80% श्रेय तो मम्मी को जाता। तो एक मिनट, थैंक यू मम्मी जी इतना सपोर्ट करने के लिए, और पापा भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो बस इस टाइम पे पता कि उन्हीं उनसे मिला पा रहा, वो फ्रेश फ्रेश होने गया, आगे नहीं बोल सकता। चलो मिलता हूँ सुबह नए ब्लॉग में, तब तक करिए बाय बाय। Life lessons come one in a dozen, the other 11 gives